बिहार गजब है और बिहार के चूहे भी बड़े अजब हैं। कभी चूहे बांध को कमजोर कर देते हैं और सरकारी भ्रष्टाचार को अपने सर पर ओढ़ लेते हैं, तो कभी पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में थाने के मालखाने में रखी सैकड़ों लीटर जब्त शराब को गटक जाते हैं और सीधे सीधे पुलिस वालों को बचा लेते हैं। बिहार सरकार को परेशान करते करते चूहों ने अपना इरादा बदल दिया और केंद्र सरकार को अब परेशान करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला छपरा गोरखपुर रेलखंड का है, जहां इस रेलखंड पर चलने वाली 12565 अब बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन, जो दरभंगा से चलकर नई दिल्ली को जाती है, रविवार 11 जून को जब छपरा जंक्शन के सिवान के लिए खुली, तो दाऊदपुर रेलवे स्टेशन के पास अचानक बोगी के नीचे से धुआं उठने लगा। धुआं उठते देखकर किसी तरह ट्रेन को रोका गया। ट्रेन रुकते ही यात्री ट्रेन से उतरकर बोगी से नीचे उतरे और ट्रेन से दूर भागने लगे। इसके बाद ट्रेन में स्कॉर्ट कर रहे आरपीएफ के जवानों, चालकों और ट्रेन गार्ड, ट्रेन में मौजूद तकनीकी कर्मियों ने धुआं निकलने वाली बोगी की जांच पड़ताल की। इस पड़ताल में बोगी के अंदर एक चूहा मिला, जो शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया था। धुआं उसी चूहे के जलने से निकल रहा था। ट्रेन स्टाफ ने चूहे को निकालकर बोगी की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर आगे के लिए रवाना कर दिया। वाराणसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 12565 अब बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन के S4 बोगी के नीचे लगी इलेक्ट्रिक सर्किट में चूहे के घुसने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस कारण बोगी के नीचे धुआं निकलने लगा। इस घटना में किसी भी यात्री को और ट्रेन में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ट्रेन और यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित थे। कल दिनांक 11/6/2020 को दाऊदपुर के निकट 25/6 संपर्क एक्सप्रेस के S4 कोच के नीचे से धुआं निकलने की घटना हुई। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि S4 कोच के नीचे इलेक्ट्रिक सर्किट में चूहा फंस जाने के कारण शॉर्ट सर्किट हुए थे, जिसको ऐसे धुआं निकला। इस घटना में यात्रियों को या किसी ट्रेन को या इस ट्रेन में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, ना किसी प्रकार कोई क्षति हुई। तो एक चूहे ने एक बार फिर से बड़ा कारनामा कर दिया। छपरा से आलोक जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।